भाई फाइनली द रेटेड आर सुपरस्टार एज बनने वाले हैं WWE के न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। एंड देन भाई एज ही वो सुपरस्टार होने वाले हैं जो कि फर्स्ट एवर WWE के वर्ल्ड टाइटल को अपने हाथों में लेने वाले हैं। तो भाई एज ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है जिससे WWE के रूमर्स कहने लगे हैं कि अब एज बनने वाले हैं WWE के वर्ल्ड चैंपियन। एंड देन भाई सेथ फ्रिकन रॉलिंस को एज ने रिप्लेस कर दिया है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई एज ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। तो भाई इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। एंड देन भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आती भी है WWE से रिलेटेड इस चैनल पे। तो भाई नाइट ऑफ चैंपियंस में ऐसा माना जा रहा था कि सेथ फ्रिकन रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल का मैच हमें देखने को, और इन्हीं दो सुपरस्टार में से एक सुपरस्टार वर्ल्ड टाइटल को जीतेगा। तो भाई ऐसा पूरी तरह से नहीं होने वाला क्योंकि भाई एज ने बहुत बड़ा एक तरह से अनाउंसमेंट कर दिया है ट्विटर के थ्रू। एज बताते हैं कि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतना चाहते हैं। उसके बाद उस चैंपियनशिप को जीतने के बाद एज जितने दिन भी चैंपियन रहेंगे उतने दिन आपको WWE में देखेंगे। एंड देन भाई जब एज WWE के वर्ल्ड टाइटल को हार जाएंगे तो उसके बाद से वो WWE से रिटायरमेंट ले लेंगे। एज बहुत कुछ कहते हैं इस भाई छोटे से वीडियो में। एज बताते हैं कि वह कभी भी अपने चैंपियनशिप को हारे नहीं थे, वो चैंपियनशिप को छोड़ के गए थे और उसी स्टोरी को फिनिश करना चाहते हैं। जैसे कि सबका स्टोरी बन रहा है, उनका भी एक स्टोरी चाहिए। एंड देन भाई उनका ये स्टोरी होना चाहिए कि वो वर्ल्ड टाइटल को कभी हारे नहीं थे और उस वर्ल्ड टाइटल को फिर से एक बार जीतेंगे। एंड देन भाई जब एज वर्ल्ड टाइटल को हारेंगे उसके बाद से वो WWE से रिटायरमेंट ले लेंगे। तो भाई एज अब ये सब बातें जब बोलते हैं तो भाई एज बहुत ही इमोशनल लग रहे थे। एंड देन भाई पूरे वर्ल्ड वाइड में अब एज का नेम पूरी तरह से ट्रेंड पे आ गया है। एंड देन भाई रूमर्स भी बहुत तेज हो गए हैं कि अब एज WWE के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतेंगे। और भाई ऐसा कहीं कंफर्म था कि सेथ फ्रिकन रॉलिंस आपके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे जो कि फर्स्ट एवर वर्ल्ड टाइटल को जीतेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में। लेकिन अब पूरी तरह से भाई अपोजिट ये हो चीज़ होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि भाई एज वो सुपरस्टार हैं जो कि नाइट ऑफ चैंपियंस में अब फाइनल में तो जाने वाले ही हैं, लेकिन भाई उनको WWE उनका मोमेंट देगी और भाई वो जीतेंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रियाद सऊदी अरेबिया में। और भाई सऊदी की जो पब्लिक है वो एज को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। एंड देन भाई कहीं ना कहीं एज एक बहुत बड़े लेजेंड हैं और भाई सऊदी के अरेबी की जो पब्लिक है वो हमेशा एक लेजेंड को खोजती है। भाई फाइनली एज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतते हुए नजर आएंगे आपको नाइट ऑफ चैंपियंस में। ये पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं है लेकिन भाई मैं भी आपको 90% ये कंफर्म है कि देखने को मिलेगा यही चीज़। तो भाई वीडियो छोड़ो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग WWE से रिलेटेड वीडियो आती रहते हैं। और भाई कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सुपरस्टार जीतने वाला है, सेथ रॉलिंस या एज को आप चैंपियन बनते हुए नजर देखना चाहते हैं।